हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मलाई से डायरेक्ट घी कैसे निकालते हैं, वो भी विदाउट मिक्सी या किसी हैंड ब्लेंडर के बगैर। फ्रेंड्स, दूध से मलाई कैसे निकालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मलाई को इस तरह से नाइफ से चारों ओर से छुड़ा लें। देन उसको इस तरह से निकालना है कि दूध सारा निकल जाए, सारी आ जाएगी। देखिए आप, दूध को पूरा निकाल देना है, इस तरह से दूध पूरा निकल जाएगा। फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आज आपको मलाई से बटर और बटर से घी कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। मेरा ये पूरा बर्तन है वो भर गया है, आप देख सकते हैं। इसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। ये अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, काफी ठंडा है। हमें इस तरह के स्पैचुला से इससे थोड़े थोड़े टाइम के गैप में इसे हिलाते रहना है। मैंने उसको इस तरह से थोड़ा बहुत टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है मलाई को, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है। अभी थोड़े ही टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगी। चाहे तो ब्लेंडर यूज कर सकते हो, बट मैं ब्लेंडर यूज नहीं करती, मैं इससे ही करती हूँ। काफी लोग पहले ही मलाई में पानी डाल के फिर चर्न करते हैं, तो उनकी मलाई अच्छे से नहीं निकलती है। तो कभी भी पहले मलाई में पानी नहीं डालना चाहिए, पहले मलाई को ही अच्छे से फेंटना चाहिए, बाद में पानी डालना चाहिए, तो फिर बटर अच्छे से निकलेगा। और मलाई को स्टोर करने के लिए जिनका फ्रिज का टेम्परेचर ठीक है, नया फ्रिज है तो उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे तो चलेगा। लेकिन काफी लोगों के फ्रिज में नीचे के कंपार्टमेंट में कूलिंग ठीक से नहीं होती, उनकी मलाई बिगड़ जाती है वहां पे, तो फिर उनको फ्रीज में ऊपर के जहाँ पे हम आइस सेट करते हैं वहाँ पे रखनी है मलाई। तो क्या होगा कि वहाँ पे रखने से आइस बन जाएगी मलाई। लेकिन आपको जब भी बनानी है घी तो आप क्या करें, थोड़े टाइम पहले फ्रीज के बाहर निकाल दीजिए, या फिर 24 आवर्स पहले फ्रीज से नीचे के कंपार्टमेंट में, यानी कि रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए मलाई को, तो फिर वो नॉर्मल आ जाएगी। ये देखिए, मलाई से पानी आपको शायद दिखे नहीं, लेकिन मलाई से यहाँ पानी छूट गया है, मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे निकल रहा है तब प्रेस करने से। अभी मैं इसमें नॉर्मल टेप वाटर डालूंगी, थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालती मैं। अगर आप पहले पानी डाल देते मलाई में तो मलाई और पानी मिक्स हो जाता था, वो चर नहीं होता था। अभी देखिए बटर बन गया है, तब कितना भी मिक्स करेंगे पानी और जो बटर है वो मिक्स नहीं होगा, अलग ही रहेगा वो। देखिए
कितना भी हलवा ये मिक्स नहीं होगा, अगर मलाई में पानी डालते थे आप तो वो मिक्स हो जाता था। इसको हम निकाल लेंगे, जो मलाई का ये था उसे मैं निकाल लूंगी। मैं वापस पानी डालूंगी थोड़ा। ये प्रोसीजर जैसे आप 4 to 5 टाइम्स करूंगी। अभी पानी अच्छे से निकाल देंगे क्योंकि अभी हमें गैस पे रखना है। मैंने मलाई में बिल्कुल भी दही नहीं डाला था, लेकिन ये जो पानी निकला है इसमें हम दही डालेंगे और उसको सेट करने के लिए रख देंगे। ये दही की तरह एकदम सेट हो जाएगा, उतना हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन लो फैट मिल्क रहता है उसको दही जमाते हैं तो किस तरह से सेट होता है बिल्कुल वैसा ही ये भी सेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अनसॉल्टेड व्हाइट बटर रेडी है। इसे हम, मैं इस तरह से, मेरा लास्ट बैच का है बटर, इसे हम सैंडविच के लिए और फिर आप इसे केक के लिए, कुकीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, पंजाबी सब्जी में, पाव भाजी में, कहीं पे भी आप नॉर्मल सॉल्टेड बटर की जगह पे यूज कर सकते हैं। और ये बटर को आपको नहीं, इसे भी आपको फ्रीज में स्टोर करना है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, तो नीचे रेफ्रिजरेटर में ये बिगड़ जाता है। आप इसे फ्रीज में ऊपर आइस के, आइस जहाँ पे सेट करते हैं वहाँ पे स्टोर करें, और जब भी यूज़ करना रहता है उसके थोड़े टाइम, 1-2 घंटे पहले निकाल लीजिए तो ये अच्छा रहता है। अगर आपको इस तरह से नहीं सेट करना है तो एक थाली में, छोटी वाली ट्रे में सेट कर दीजिए। सेट होने के बाद फिर उसको कट करके क्यूब में फिर आप इस तरह के किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं तो आपको काफी इजी रहेगा। अभी ये मेरा बटर रेडी है, अभी मैं इसे गैस पे रख दूंगी। आपने फ्रेंड्स देखा ये बटर बनाया, बट मेरे हाथ मैंने बिल्कुल भी खराब नहीं किए, बिल्कुल भी बटर वाले नहीं किए, ना ही मैंने मिक्सी को खराब किया, ना ही ब्लेंडर को खराब किया, ना ही मेरे हाथ खराब किए। ये मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है घी बनाने के लिए। ये जो पानी हमने निकाला है इसको मैं कैसे सेट कर लूंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बर्तन में दही लेके, एक चम्मच, थोड़ा सा, 2 चम्मच, एक दही, 2 चम्मच दही लेके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। और ये जो पानी निकला है उसे मैं एक बार सीव करके इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो इस पानी से पनीर भी बना सकते हैं, बट मैं एज अ दही सेट कर रही हूँ।
नेक्स्ट टाइम कभी पानी की पानी के पनीर भी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। आप चाहे तो इसे सेव भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप दही बना सकते हैं, बट मुझे ये चाहिए था मावा। इसको मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ, इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि जो घी बनाने के बाद जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, लेफ्ट ओवर निकलता है, वो ज्यादा मुझे चाहिए क्योंकि उससे मुझे स्वीट बनानी है आज, इसलिए मैंने उसको मिक्स कर दिया। आप ये स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली बटर को गरम करने रख दीजिए। और इसको अच्छे से हिलाना है ताकि दही हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको सेट होने के लिए नॉर्मल दही से ज्यादा टाइम लगता है, नॉर्मल दही 7-8 घंटे में हो जाता है, तब इसको 12 आवर्स से 14 आवर्स सेट होने के लिए लगता है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है इसके लिए। बीच में हिलाते रहिए कि बैठ ना जाए नीचे, वरना जल जाता है। घी बनाते हुए मुझे अनार छिलने हैं तो वो मैं छिल भी लूंगी और साथ में घी भी होता रहेगा। मेरे आधा किलो अनार के दाने छिल गए और यहाँ पे मेरा घी भी बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं मैं इसको ज्यादा बहुत डार्क नहीं करने देती हूँ, इतना ही रखती हूँ मैं लाइट। मैं अभी गैस बंद कर दूंगी, अभी ये हल्का ठंडा होगा तभी मैं इसको छान के भर लूंगी। अभी घी रेडी है, हम लोग इसको इस ग्लास की जार में भर लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देना है, बाद में ही भरना है, गरम गरम नहीं भरना है। आप देख सकते हैं मेरा घी बन के रेडी है और मेरी कढ़ाई है बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। इसमें मैं चाहूँ तो अभी भी कुछ सब्जी फ्राई कर सकती हूँ, दाल बना सकती हूँ बिना धोए, क्योंकि वो घी वाली है, उसमें और मैं घी तेल ऐड करके सब्जी या दाल में बना सकती हूँ। बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। और घी भी देखिए आप,
गोल्डन। अब हम इससे भी घी कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो मलाई का बर्तन था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, गरम करेंगे। मैंने जो कुकिंग में पानी लेती हूँ यूज करने के लिए वही पानी लिया है। अभी इसको हम गरम करेंगे। ये जैसे ही गरम होता है हम ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा और गर्म होने देंगे ताकि घी जो है वो पानी में सारा निकल आए। ये उबल गया है अच्छे से। अब बंद कर देंगे हम। इसमें मैं छोटे से बर्तन में इसे छान लूंगी। आप देख सकते हैं इसका भी कलर भी हल्का ब्राउन हो गया है। पहला लाइट डार्क था भी लाइट हो गया है। मैं इससे काफ़ी सारे स्वीट में यूज करती हूँ, सब्जी में यूज करती हूँ, इवन मैंने इससे केक तक बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है क्योंकि मैंने इसमें दही डाला ही नहीं था। इसमें अब सारा घी निकल गया है। मैं अब इससे भाखरी का आटा गूंथ लूंगी। अभी इसी कढ़ाई में मैं हमारा गुजराती भाखरी का आटा मैं गूंथ लूंगी। वो जो घी वाला पानी निकला उसी से मुझे एक्स्ट्रा मॉइन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी से मेरा आटा गूंथ जाएगा। मैंने उसी कढ़ाई में आटा लिया। अब उसमें मैं नमक डालूंगी। हमारे गुजराती भाखरी का आटा बन के रेडी है। अभी आप देख सकते हैं चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने जो दही सेट किया था वो हो गया है। अमूल गोल्ड की तरह ये सेट नहीं होता है, लो फैट मिल्क की तरह ये सेट हो जाता है। देखिए इसे छाछ बनाने में, कढ़ी बनाने में, ढोकला बनाने में यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट एक छाछ की तरह बन गया है, मतलब इसको सिर्फ अभी
मुझे ब्लेंडर से ब्लेंड ही करना है एक बार, दही की तरह ऐसा लो फैट दही की तरह सेट हो गया है। ये गुजराती ट्रेडिशनल मिठाई मोहन थाल मैंने घी के लेफ्ट ओवर से बनाई हुई है, वो जल्दी ही रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी।